लेकिन जिद बड़ी कर रखी है, कुछ बदले ना बदले हम नहीं बदलेंगे जब तक जीवन है। ये जिद है हमारी। और मैं इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा नेता किसी को मानता हूं तो सबका सिराम को मानता हूं, जिनकी वजह से आज बाबा साहब दिख रहे हैं हमें। नहीं तो इन लोगों ने विलुप्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस व्यक्ति को देश में देखना नहीं चाहते थे लोग गांधी को, उसको जबरदस्ती दिखाया गया। और जिसकी विचारधारा को लोग पसंद करते हैं पूरी दुनिया में, उसको दबाने का काम इस देश में किया गया। और मैं सलूट करता हूं मिशनरी साथियों को जो हमेशा से ही लगे हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने तो अभी शुरुआत ही की है, लेकिन एक जीवन में परिवर्तन के कारण बढ़ते हैं सबके। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे तो जब 2 महीना छुट्टी आते थे तो 1.5 महीना साहब काशीराम के साथ रहते थे वो। और जिस दिन मैंने मंत्री पद की शपथ ली रामलीला मैदान में, तो शाम को बैठे थे, पिताजी की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा बाबूजी आज तो आप खुश हो गए, खुशी के आंसू होंगे? मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, ये मेरे ना खुशी के आंसू नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो मैंने पूछा जी परेशान क्यों? लोग नौकरी ढूंढते हैं, मैं नौकरी लगाने वाला बन गया, सरकार चलाने वाला बन गया। कह रहे नहीं नहीं, मुझे दुख ये है कि एक नई पार्टी आई और समाज का दलाल नियुक्त मेरे बेटे को कर दिया। ये हमारे फादर साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा समाज की दलाली मत करना, समाज के लिए काम करना। और बहुत सारी चीजें मैंने, क्योंकि हमने जातिवाद नहीं देखा था जब तक कॉलेज स्कूल में थे। जब मंत्री बने तो पता चला मनीष सिसोदिया और संदीप कुमार में फर्क क्या है, कपिल मिश्रा और संदीप कुमार में फर्क क्या है। ये सारी चीजें हमने देखा मंत्री बनने के बाद, क्योंकि एजुकेशन में जो थे इतना नहीं था, नीचे इतना जातिवाद नहीं है जहां पर सब लोग साथ बैठते हैं। लेकिन जहां पर अपने समाज को आप दे सकते हो वहां पर कास्टिज्म भरा पड़ा है, इस देश में मनोव्यवस्था भरी पड़ी है। और ये जो अभी यशपाल जी ने कहा और प्रोफेसर साहब ने भी कहा, ये सारी बातें बिल्कुल सत्य है। आज के टाइम पे आज से 100 साल पहले ज्यादा अच्छे थे हम लोग, आज से 1000 साल पहले ज्यादा अच्छे थे। कम से कम सब गुलाम थे तो हम भी गुलाम थे, लेकिन हम अब गुलामों के गुलाम हो गए। पहली बार इस देश में हुआ है, हम लोग जो ना आजाद नहीं है, हम जो अंग्रेजों के मुगलों के गुलाम थे ना, हम उनके गुलाम हैं। और ये देश में जो बेरोजगारी जिन लोगों ने पैदा की, मैंने थोड़े दिन पहले देखा एक तालकटोरा प्रोग्राम किया कांग्रेस सरकार ने, जो पहले थी कांग्रेस अब अपोजिशन में है, उन लोगों ने बेरोजगार युवाओं का संगठन का एक प्रोग्राम किया। बेरोजगार भी खुद ही करते हैं और फिर लड़ाई लड़ने का बहाना भी खुद ही करते हैं, ये समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं। तो ये सारी बातें आपको पता है। और मैं शंभु भाई को, सुरेंद्र भाई को और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, इनको ज्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति मानता हूं हम लोगों से, क्योंकि ये जो बातें हम लोग कहते हैं जन जन तक अगर कोई पहुंचाता है तो ये लोग पहुंचाते हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है समाज को खड़ा करने में। और मैं इस देश में, आप लोग हो सकता कुछ लोग बुरा मान जाए, मैं इस देश में अगर बहुजन समाज का नेता किसी को मानता हूं तो बहन कुमारी मायावती को मानता हूं, मैं और किसी को नेता नहीं मानता। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हमेशा ही अपने शक्तिशाली लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी दे दिया जी बहन जी ने, ये देश जो है, इस देश को आदत है परिवारवाद की। और मैं तो चाहता था अगर साहब काशीराम के टाइम पे मैं होता उनके ऊपर गाता, उनको कहता कि आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश पे ना थोपा जाता है, ये लोग कभी अपनाते नहीं है। बहन जी को आप लोगों ने देखो, बहुत सारे लोग दलाल घूमते हैं बीजेपी कांग्रेस को, कितने लोग नेता मानते हैं, सारी दुनिया नेता मानती है, कांग्रेस मानती है, बीजेपी मानती है, लेकिन ये हमारे वाले मानने बुलाती नहीं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा सारी समस्या का समाधान अगर कोई है तो राजनीति है। जब तक आप लोग राजनीति नहीं करोगे, राजनीति नहीं बदलोगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये जो चमड़ी के बाहर जनेऊ की बात कही प्रोफेसर साहब ने, लेकिन जिनकी चमड़ी के अंदर जनेऊ है ना, पासवान जैसे लोग, अठावले जैसे लोग, इन लोगों को पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। जो लोग संसद में बैठे और जिन लोगों का राजा नहीं होता ना, उनका शोषण होता है जी, और जिनका राजा होता ना उन्हें बिना मांगे आरक्षण मिल गया है। 2% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया, आप लोगों ने देखा। और खूब लोग जो ना वोवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सही कहा प्रोफेसर साहब ने, जब तक इन लोगों को जाति का फायदा मिलता रहेगा जातियां बनी रहेंगी। जिस दिन इन लोगों को लगेगा कि जाति में नुकसान हो रहा है इनका, तो ये जातियां तोड़ देंगे, ये समान समाज बनाने का ड्रामा करेंगे।
अरे आप लोग देश के विकास के लिए काम नहीं कर रहे। और जो कुंभ होता है जहां पर जो किसी काम के आदमी नहीं, वहां इकट्ठा हुआ 5,000 करोड़ रुपए का फंड देते हो आप लोग। यहां पर बच्चों के हाथ से स्लेट लेकर के प्लेट दे दी है ना, देश में एजुकेशन व्यवस्था का भट्ठा गोड़ कर दिया राइट टू एजुकेशन जो बाबा साहब देखे गए थे। तो कहां से डेवलपमेंट होगी? हम लोगों को समझना पड़ेगा कि देश का निर्माण कैसे होता है। शिक्षित होना साक्षर होना बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग हैं बाबूजी भी बैठे रिटायर्ड आईएएस हैं, बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर वकील भी बैठे हुए, ये साक्षर लोग हैं। शिक्षित तो कांशीराम था, अंबेडकर था जिसने सब कुछ छोड़ के समाज की लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो वो शिक्षा की जरूरत है जो सामाजिक उत्थान के लिए लड़ी जाए। और मैं तो पता नहीं क्या वजह है क्या कारण है, लेकिन हमने तो भाई जीवन में कसम खाई है ब्राह्मण बनिए ठाकुर भाई पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल चाहे बिना चुनाव के रहना पड़े काम करना पड़े, हमने कसम खा रखी पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और काम करेंगे पूरे देश में। अब मैं तो इतना सम्मान मिल रहा है, मिशनरी होने का आपको फायदा बताता हूँ, मिशनरी होने का इतना सम्मान मिलता है जब मंत्री द्वारा किसी ने माला नहीं पढ़ाई बुला करके कि भाई मंत्री बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां तो दलालों की नियुक्ति होती है, जो जितना बड़ा दलाल होता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है इस देश में। तो ये समझना पड़ेगा अगर सच्चे नेता कोई है तो जो लोग सामाजिक मूवमेंट में लगे हुए लोग हैं, जो लोग सामाजिक मूवमेंट का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जिनको खुद कुछ नहीं चाहिए, चाहते तो साहब कांशीराम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्यों नहीं बने? ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे। आपको अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ना, जब तक फुटबॉल का मैच बॉल बाईपास करके नहीं खेलोगे ना, जब तक आप लोग जीतने वाले नहीं हो। यहाँ लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो, यहाँ पर लोग अपने अपने संगठन बना के वर्चस्व की लड़ाई, मैं ही देश का भला करूंगा। अब वो सुना मोहन मिश्रा ने भी शादी कर ली है, कह रहा मेरा छोरा करेगा देश का भला और मेरी विचारधारा में वही चलेगा। अरे भाई आप लोगों के पास एक पॉलिटिकल संगठन है, आज बीएसपी से बड़ा, मुझे माफ करना अगर आप लोगों को मेरी बात लगे, आज बीएसपी से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। लोग मुझे कहते हैं संदीप भाई तुम्हें क्या दे दिया, मैं कहा भाई मुझे जो दिया, मैं जो एमएलए बना या मंत्री बना आज पद पे हूं, तो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हूं, केजरीवाल की वजह से थोड़ी ना हूं। केजरीवाल की वजह से तो वो हो सकता सुशील गुप्ता जो कांग्रेस का हारा हुआ एमएलए आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद बन गया है ना, ये मर्जी, ये उनकी मर्जी से हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, कोई हो रहा था आता दलित ही। जिस दिन हमारे लोगों की समझ में बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार समझ में आ गया उस दिन देश में बदलाव आएगा। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे लोग कहते हैं संदीप भाई भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं तो सही में कहता हूँ मर्सिड में बैठे हुए कुत्तों की तरह है ना। अब इनको ये नहीं पता मालिक किस दिन रोड पर छोड़ देगा और दूसरी गाड़ी उड़ा ले जाएगी, इनकी समझ में नहीं आएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि आज देश में हालात क्या है, आज ये देश किस तरफ जा रहा है। जब मैं मंत्री था तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी और बड़ा गहराई से बाबू साहब को साहब कांशीराम को पढ़ता हूँ और वो लाइनें आज के टाइम पर ठीक बैठती हैं। मैंने लिखा था और केजरीवाल को सुनाया था बाबा साहब के जन्मदिन पे कि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, अगर हम सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है, देश हमारे से है भाई, अगर हमारे लोगों को आएगी ना तो देश में सुरक्षित देखेंगे हम बर्बाद कर देंगे इसको, हम हैं तो देश है ना, जंगलों में पहाड़ों में देश थोड़ी ना है। और देखो कितना बड़ा ड्रामेबाज है, मैं तो इसको ही कहता हूं बनिए को, कितना बड़ा ड्रामेबाज है। जब मैं मंत्री था मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया, बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, अब जो मंत्री है वो समता सैनिक दल का अध्यक्ष रहा है दिल्ली का, उसको बाबा साहब याद नहीं आते, उसको बाबा साहब का जन्मदिन याद नहीं आता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे याद नहीं आता, लेकिन बात करते करते वैश्य भी जो मूल निवासी ये कहा उन्होंने हमारे मंत्री जी ने जो है। तो मंत्री होना ये सारी चीजें बहुत छोटी बात है, कितने लोग हैं जो जगजीवन राम को याद करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो आज कांशीराम की जयंती मनाते हैं बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जो ये लोग पदों पे बैठे हैं ना इनका परिवार जो है ना रॉयल्टी तो खा सकता है इनके नाम पे, लेकिन इनकी जयंती वंतियां कोई नहीं मनाएगा। समाज जो है ना सामाजिक लोगों की जयंती मनाता है, कांशीराम किसी सामाजिक या राजनीतिक बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए ना कोई बड़े आदमी थे, लेकिन इतना बड़ा काम कर दिया। जब तक इस देश की राजनीति रहेगी ये देश जब तक रहेगा, जब तक कांशीराम का बाबा साहब का नाम रहेगा दुनिया में, ये करा हम लोगों ने और वो सारे उनका कारण है। जब आप लोग सारे स्वार्थ छोड़ दोगे ना आपके सारे स्वार्थ पूरे होना सिद्ध हो जाएंगे। हम लोग जब मंत्री थे एमएलए थे इनके पार्टी के कुत्तों की तरह जब भोगते थे तो
तो हम इंतजार करते थे कोई बुलाए रब जाए, आज कोई हमें पता भी नहीं होता हमें बुलाते रब जाते हैं। ये मिशनरी होने का फायदा है। जब समाज की बात करोगे समाज आपके साथ खड़ा होगा। समाज इतना अच्छा है, समाज को हम लोग दोष नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग दलाल है, नॉमिनेटेड दलाल है राजनीतिक पार्टियों के, इन लोगों ने समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। और हम लोग भी थोड़ी सी इच्छाओं के चलते किसी न किसी के साथ हो लेते हैं। दिल्ली ना दिल्ली, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 2020 में अगर आप लोग खड़े हो जाओ तो दिल्ली चूड़े चमारों की होगी, ये गारंटी देता हूं आपको। क्योंकि ये शब्द जो ना इकट्ठा कहा जाता है, दूसरी जाति के लोग भी इसी में आते हैं। हम सारे चूड़े चमार हैं, जितने भी दलित हैं पिछड़े हैं ओबीसी हैं। जिस दिन हम लोगों ने ठान ली 27% तो वाल्मीकि हैं दिल्ली में, और सारे लगा लो ना 60% बढ़ते हैं, और 3% वाला सीएम बना दिया, नकली फोटो फोटो लेना जाऊंगा, सारे वाल्मीकि उसके साथ लग गए। और असली लोग जो ना आज भी उसके घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं तनखा के लिए, आज भी लोग दुखी है सारी चीजों के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि राजनीतिक दलाल जब हमारे बीच में आए तो उनसे पूछना कि जब इस देश के संविधान को जलाया जाता है जब ये राजनीतिक पार्टियां कहां थी। मैंने अभी केजरीवाल को एक ट्वीट किया और बताया कि अरविंद भाई आप हर चीज पे स्पेशल सेशन बुलाते थे, इस आरक्षण पे भी बुला ले बहस के लिए, जो है आरक्षण दिया 10%। लेकिन अगर आप इनकी पार्टियों के मूल में जाओगे ना, ये एक ही परिवार की पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, ये ब्राह्मण बढ़िया ठाकुरों की पार्टी है। और मैं तो अपील करता हूं, मेरी बात अगर हमारे सुप्रीमो हमारे नेता तक पहुंच जाए, दिल्ली की 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़वाओ, ब्राह्मण बनी पार्टी को छोड़ दो, देखो दिल्ली में सरकार हमारी होगी गारंटी से, है ना। इन लोगों ने षड्यंत्र से, इन लोग आरएसएस का आदमी है केजरीवाल, बीजेपी का आदमी है, गाड़ी मोदी को देगा कांग्रेस के वोट काटेगा, है कि परिवार के लोग, इसको निपटा लो दिल्ली में, देश में निपटा देंगे मोदी मोदी को, कुछ नहीं है ये लोग। और मैं तो कहता हूं बहन जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो कांग्रेस को छोड़ दिया, उनसे गठबंधन नहीं किया। और मैं तो कहता हूं खुला चैलेंज करता हूं राहुल गांधी को, मुझे दे दो टिकट उस राहुल गांधी का, अगर उसकी बिरान पार्टी में अगर दू तो मैं भी जो है ना छूड़ेगा बीच में। हम लोग जो है ना हर जगह लड़ने के लिए तैयार है, और एक ही उद्देश्य है सिर्फ के हमारा भी भाई पैदा, तो बहुत सारे लोग हुए जिस दिन संदीप पैदा होगा, लेकिन जब मरूं तो पता लगे कि भाई फलाने दिन संदीप मरा था। मेरी तो इतनी सी इच्छा है जब मरे तो वो तारीख तय कर जाए इस देश में, इतना काम करे समाज के लिए। हम दे कुछ नहीं सकते समाज को, लेकिन अपना जो जीवन है ना, ये सब कुछ दिया हुआ जो है, आज इस तन पे अगर कपड़े भी है, अगर इस मुंह में जबान भी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की दी है, साहब काशीराम की दी है, उनके वंशज है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, और सारे लोग कसम खा लो कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कम से कम इतने लोग कसम खा लो कि तुम लोग जो है ना ब्राह्मण बनिए ठाकुर की पार्टी में वोट नहीं दोगे। आज हमने तो कसम खा रखा है, चाहे मेरा बाप भी खड़ा हुआ है दूसरी पार्टी से बीएसपी के अलावा, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैंने सोच रखा आजीवन जो है ना बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करके, और कुछ नहीं चाहिए बहन जी से, मैं कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कहते कंडीशन ये है वो, अरे मगर मैं बिना गुलगुले फूटे दिए गीत गाऊंगा इनके, दिल्ली की विधानसभा में बोलता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ, सारी जगह बोलता हूँ, क्योंकि किसी ने किया था बहन जी को मिला, बहन जी करेंगे किसी को मिलेगा, हम लोग करेंगे किसी को मिलेगा। अगर समाज के लिए काम करेंगे तो समाज का निर्माण होगा, समाज तैयार होगा। अगर समाज तैयार करना है तो राजनीतिक रूप से इतने ही लोग जितने लोग इस माहौल में बैठे हैं, तुम लोग दिल्ली बदल सकते हो, लेकिन निश्चय करना पड़ेगा आप लोगों। और ये जो पत्रकार है ना, ये थोड़े से लोग नहीं बैठे यहाँ पर, लाखों पत्रकार साथी भी देख रहे हैं आपको, और लाखों समाज के लोग देख रहे हैं। ये न्यूज चैनल छोटे न्यूज चैनल नहीं है, आज तक वाले जैसे लोगों को ना होल्डिंग लगाने पड़ रहे हैं कि सच्ची बात आज तक बताता है फलाना, ऐसी बात बताता है। लेकिन जब शंभू का नाम आता है, सुरेंद्र भाई का नाम आता है, इनके जाडा चढ़ जाता है, और 100 षड्यंत्र लगाते हैं शंभू भाई के पीछे, तो जान से मारने तक के प्रयास किए इन लोगों ने। और इनके चैनल को ना, इनके चैनल को बंद भी करवा दिया था इन्होंने, बड़े प्रयास से वो चालू करवाया। और शंभू भाई ये इतिहास में दर्ज होगा, अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में किसी पत्रकार ने काम किया तो सबसे पहले नाम शंभू का आएगा इस देश में, ये मैं गारंटी देता हूं। और सारे लोग हैं, सारे भाई मेरे बैठे हैं यहाँ पर, सारे लोग आप लोग, लेकिन आपस में द्वेष मत रखो, आपस में प्यार से रहो, और एक दूसरे को ना देने का मन बना लो कि हमने समाज को देना है, ये समाज से लेना कुछ नहीं है। काशीराम साहब जब घर से निकले थे ना तो पैदल निकले थे, इस समाज में हेलीकॉप्टर में बिठाया था साहब को, और आज साहब को दुनिया याद रखती है। आज साहब के नाम पे इतना बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग साहब काशीराम की फोटो लगा के ना बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लगा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन जो मूवमेंट है वो बाबा साहब की है, और ये मूवमेंट जो है ना रुकना नहीं चाहिए,
हम सब लोगों को कसम खानी चाहिए कि हम जो ना अब 2 अप्रैल की तरह जैसे 2 अप्रैल में हम लोग संगठित हुए थे ना, एक बार इस देश में चुनाव वाले दिन 2 अप्रैल की तरह संगठित हो जाओ, ये सारे लोग नाबूद हो जाए। तो धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, कुछ कहने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना जी, अभी सीख ही रहा हूँ, पूरा जीवन जो ना मैं सीखने में विश्वास रखता हूँ। जय भीम, जय काशी राम।